रुख करते हैं जिला जंग की तहसील अहमदपुर सियाल का, जहां तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल की तरफ से ईद कुर्बान के हवाले से जानवरों की खरीदो फरोख के लिए मरकज कायम कर दिया गया है, जहां सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात वहां पर मौजूद नुमाइंदा सिटी न्यूज अली एमजे चौधरी से। जी अली एमजे चौधरी, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जिला जंग की अहम तरीन तहसील अहमदपुर सियाल के तहसील हेडक्वार्टर में लगाई गई बकर मंडी में। ये वो बकर मंडी है जो ईद कुर्बा के हवाले से यहाँ लगाई गई है। यहाँ सूरत हाल इस वक्त क्या है, ग्राहकों की सूरत हाल क्या है, खरीदो फरो किस तरीके से हो रही है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? इसे वाला से। कितने जानवर लेके आए हैं? छह ले गए। तो फरोख कितने हो गए? एक के लिए। मंडी की क्या सूरत हाल है? बड़ी ढीली है, यानी नहीं फरोख्त हो रहा है। नहीं, उसकी वजह क्या है? ग्राहक नहीं आ रही है नजफ पुल पे। अच्छा, नजफ पुल पे ज्यादा था, यहाँ ग्राहक कम है। नजफ पुल के ऊपर जो है कहा जा रहा है कि कस्टमर ज्यादा था, लेकिन यहाँ कस्टमर जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ फरोख के अंदर व्यापारियों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक और भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? रुकाबाद से। क्या फरोख करने आए? ये बकरा लेने आए। अच्छा, लेने आए थे। तो ये बताएं कि महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है बकरा? ठीक मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। रेट ठीक है, उसकी वजह क्या है? कस्टमर कम है? कस्टमर कम है, कस्टमर कम है। ये खरीद करने वाले एक साहब का कहना था, क्योंकि कस्टमर यहाँ कम है, जिसकी वजह से यहाँ मंडी के अंदर इस वक्त रेट जो है निस्बतन मौजूद है।